हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट एंड स्कीमेट रीअरेंजमेंट के बारे में कि जिससे हम अमाइन प्रिपेयर करेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है जिसके बारे में बात करेंगे आज, दैट इज कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन के द्वारा हम बनाएंगे प्राइमरी माइंड। इसके लिए हमें सबसे पहले एसिड एजाइड ग्रुप जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट विल टेक एसिड क्लोराइड। कम ऑन फ्रेंड्स, ये जो है ये है एसिड क्लोराइड, ठीक है, जिसका रिएक्शन हम करेंगे सोडियम एजाइड के साथ। कम ऑन, क्या करेंगे रिएक्शन? सोडियम एजाइड रिएक्शन, ठीक है। चलो नाउ सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा? आप देखो, सबसे पहले मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं कि सबसे पहले इसका नाम हम लिखते हैं सोडियम एजाइड है। बहुत बार आपको बोल चुका हूं कहीं पे भी रिएक्शन के अंदर सॉल्ट फॉर्म हो रहा है तो उसको पहले आप अलग कर दो। जैसे यहां पर देखो Na प्लस और यहां से Cl माइनस, बड़ा इजी है। NaCl यहां से निकल जाएगा और यहां पे प्रिपेयर हो जाएगा RCOn3। और एजाइड जनरली आप सबको पता होगा, एजाइड जनरली हम यूज करते हैं, है ना, नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के अंदर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडा है कि नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करना है तो जब हम सोडियम एजाइड या बेरिलियम एजाइड को हम हिट करते हैं, ठीक है, सोडियम एजाइड या बेरिलियम एजाइड जो है उसको हम हिट करते हैं तो हम नाइट्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा यहां पे भी अगेन सोडियम एजाइड और एसिड क्लोराइड का अगर हम रिएक्शन करेंगे सो ये एसिड एजाइड, यहां से हम बना सकते हैं एसिड एजाइड, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, सॉल्ट यहां से रिमूव हो गया, एसिड एजाइड बन गया। नाउ एसिड एजाइड को हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा और इसको हिट करना पड़ेगा। अगेन इसको हम हिट करेंगे इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट हम हिट करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल दे दीजिए, तो यहाँ से नाइट्रोजन जो ग्रुप है यहाँ से लीव हो जाएगा। एंड वी नो दैट नाइट्रोजन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, डायनाइट्रोजन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। सो व्हाट विल गेट? विल गेट RCOn, एंड दिस यू नो इंटरमीडिएट इज नोन एज SI नाइट्रिन। इसका नाम है बेटा SI नाइट्रीन। यहां तक क्लियर? SI नाइट्रीन तक। SI नाइट्रीन जो होगा बेटा उसका होगा रीअरेंजमेंट, एंड दिस इज वेरी स्लो स्टेप, सो इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि ये स्लो है इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें होगा क्या? देखो देखो नाइट्रोजन के पास यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर यहां पे अटैक करेंगे। जैसे बेटा लोन पर यहां पर अटैक करेंगे कार्बन नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, ये कार्बन का वैलेंसी जो है वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो यहां पे 4 है, 1, 2, 3 and 4। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करेंगे क्या होगा? इसका वैलेंसी हो जाएगा 5। जैसे अटैक करेंगे यहां पर ये आर जो है ना ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन, ये शिफ्ट हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे शिफ्ट होने के बाद देखो ये आर ये नाइट्रोजन के पास आ गया, ठीक है। कम ऑन, और क्या हुआ? और क्या हुआ? ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है और आप सबको बताओ भाई आइसोसाइनेट होता है। क्या है ये? आइसोसाइनेट। दिस इज अल्काइल आइसोसाइनेट, ये अल्काइल आइसोसाइनेट ग्रुप है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं
लास्ट स्टेप की, लास्ट स्टेप में होगा हाइड्रोलिसिस, जिसमें RnH2 दैट इज प्राइमरी अमाइन यहां पे प्रिपेयर हो जाएगा और CO+O विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन बाय कर्टिस रिएक्शन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर से रिपीट कर देते हैं, एसिड क्लोराइड लेना है, सोडियम एसाइड ऐड करना है. पहले स्टेप में NaCl रिमूव करके क्या बनेगा, एसिड एसाइड बन जाएगा, है ना, RCOM3. नाउ नाइट्रोजन इज बेस्ट क्लीविंग ग्रुप, है ना, सो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोरस सॉल्वेंट बेंजीन इसको हिट करेंगे तो बन जाएगा यहां पे एसाइल नाइट्रीन. नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज री अरेंजमेंट, स्लो स्टेप है जो रीडिटरमाइनिंग स्टेप है, जिससे हम बनाएंगे अल्काइल आइसोसाइनेट एंड देन बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल गेट प्राइमरी अमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको. तो बेटा इस रिएक्शन के अंदर ओवरऑल क्या याद रखना है, ओवरऑल हमें ऐसे याद रखना है, एग्जाम में आपको ऐसे पूछा होगा RCOCl, यहां पे लिखा होगा बेटा एरो में लिखा होगा, फर्स्ट लिखा होगा NaN3, देखो आप फॉलो, सबसे पहला NaN3, नॉन पोरस सॉल्वेंट यहां पे है ना लिखा हो सकता है, नहीं लिखा हो सकता, वो हमें खुद को समझना है. यहां पे नॉन पोरस सॉल्वेंट रिएक्शन होगा, हिट करेंगे इसको री एलिमेंट के अंदर कोई भी नहीं, और लिखा होगा वाटर और यहां पे होगा क्वेश्चन, ऐसे बना होगा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको इसको क्रैक करना है. तो कहीं पे भी एसिड क्लोराइड है तो उसमें से क्या बनाएंगे, एसिड एजाइड पहले प्रिपेयर करेंगे, देन एसिड नाइट्राइड नाइट्रिन प्रिपेयर करेंगे, देन RDS के अंदर क्या करेंगे अल्काइल आइसोसाइनेट, देन वाटर पॉलीमराइज करके प्राइमरी में और CO2 यहां पर रिमूव हो जाएगा. ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है. आई होप बेटा आपको कर्टियस रिएक्शन समझ में आ गया होगा. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन स्टार्ट स्कीमेटिक रिएक्शन. चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं अब सेकेंड रिएजेंट जो है जिससे हम बनाएंगे प्राइमरी अमाइन, दैट इज स्मिट रिएजेंट. स्मिट रिएजेंट के अंदर बेटा क्या करना है, फर्स्ट विल टेक कार्बन सैलिक एसिड. यस दोस्तों, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज C=H जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके अंदर बेटा ऐड करेंगे HN3 जो है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलिक एसिड. यस बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, कम ऑन, दिस इज हाइड्रोक्सिलिक एसिड. ठीक है, नाउ बाय यूजिंग हाइड्रोक्सिलिक एसिड क्या होगा, यहां पर हमें यूज करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है आप सबको पता है इट इज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट, इट इज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट. तो ये डीहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा, यहां से OH और यहां से H, H2 यहां से एलिमिनेट हो गया, RCOM3. This is acid azide. Acid azide क्या करेगा ये? कौन? हमने पढ़ा था अभी Curtius rearrangement reaction के अंदर. इसको हम बेंजीन जो non-polar solvent है उसके अंदर हिट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे N2 group जो है यहाँ पर remove हो जाएगा तो बनेगा RCO single bond N, lone pair of electron on nitrogen. We'll get SI nitrine in the next step. This is RDS. Why? Because this is slow step. ये slow step. अब ये slow step में यहाँ पे होगा. Come on. क्या होगा यहाँ पे? Re
अरेंजमेंट क्या होगा बेटा, यस यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट में अभी हमने पढ़ा करती है सीरियल रिलेशन में, ये यहाँ पे मूव करेंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ पे बन जाएगा आर एंड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इसका नाम भी हम लिखा था आगे अल्काइल आइसोसाइनेट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द लास्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सी ओ टू जो गैस है वो रिमूव हो गया यहाँ पे, और आर एम एच टू यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा अमाइन का स्ट्रक्चर, जिसका भी लास्ट स्टेप का भी हम मैकेनिज्म यहाँ पे शो कर सकते हैं, बट यहाँ जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखो आइसोसाइनेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विल गेट प्राइमरी मॉलिक्यूल। दिस इज आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये आपको समझ में आ गया। और एग्जाम के अंदर हमें ऐसे पूछा होगा आर सी डबल ओ एच लिखा होगा यहाँ पे एच एन थ्री, देखो यहाँ पे सबसे पहला ये इन द प्रेजेंस ऑफ कम ऑन क्या है एच टू सो फोर, फिर और क्या होगा गैस लास्ट स्टेप में होगा वाटर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट में यहाँ पूछा होगा क्या बनेगा, आपको यहाँ पे लिखना है प्राइमरी माइन और अलग हो जाएगा यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे मैथड में पूछा होगा, ठीक है बेटा। ये बात हो गई इस लेक्चर में कर्टियस रीअरेंजमेंट एंड स्कीमेटिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर्स आप देखते रहिए जिसमें अमाइन के प्रिपरेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कीप शेयरिंग लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग इफ नॉट सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।